ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी सरकार है, अच्छा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। गुंडा रास्ता एक समय, और आज चैन की नींद सो रहे हैं लोग बाग, नहीं तो एक दिन ऐसा था कि कौन कहाँ मर गया, कौन कहाँ प्रण हो गया, कुछ नहीं पता पड़ता था। नीतीश जी तो अपने घटिया आदमी है, अपने घटिया आदमी है। मीटिंग कर रहे हैं सारी, मतलब विपक्ष करने से क्या होगा, हो जाएगा थोड़ो नहीं बनेंगे वो, तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी बन जाए मुख्यमंत्री, तो क्या होगा, तब बन जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म होगा। एक ही बार थोड़े बेरोजगारी, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो किसे चुनेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को जी क्यों, मोदी जी अच्छे लगते हैं। राम मंदिर नहीं बनना था वो बनवा दिया, राम मंदिर नहीं बनना था वो बड़ा बनवा दिया। कांग्रेस ने इतना दिन राज किया तो उसी के लेके चलता था विवाद, जो भी पार्टी पॉलिटिक्स होता था तो वही पे लेके चलता था। और अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई को मारा गया, पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई, तो आपको क्या लगता है ठीक हुआ है? कई लोग क्योंकि शहीद करार दे रहे हैं अतीक, वहाँ का तो पब्लिक बता रहे बढ़िया हुआ, बात सही हुआ है, सही हुआ है, क्योंकि कई लोग शहीद बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो आपके साथ शहीद हुए हैं वो? अरे जब जैसे गैंगस्टर थे, माफिया थे, जैसे एक आदमी के चक्कर में 100 आदमी ने बोला कि वो खराब है तो वो खराब ही ना हुआ, और 100 आदमी कहेगा कि नहीं अच्छी बात है तो अच्छे हो गए। अच्छा, और बिहार से आप हैं, जैसे नीतीश जी का शासन कैसा है वहाँ? नीतीश जी तो अपने घटिया आदमी है, अपने घटिया आदमी है, घटिया आदमी है और क्या, क्यों घटिया क्यों है, घटिया है नहीं क्या, तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दावेदार कर लिए वो है नहीं, नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं सारी, मतलब विपक्ष करने से क्या होगा, हो जाएगा थोड़ो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, वो तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी बन जाए मुख्यमंत्री, तो क्या होगा, तब बन जाएंगे। आप मीटिंग कर रही है जाके राजनीतिक दलों से? वो तो अपना सोच है उसको। अच्छा, आपने घटिया बोला नीतीश कुमार को, क्यों घटिया क्यों है, क्योंकि तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लॉकडाउन में हम लोग यहाँ दिल्ली में फंसे हुए थे, तो वो बता रहा था कि जो जहाँ है वहाँ रहिए बिहारी, मतलब आपके लिए सुविधा नहीं। और वही मुख्यमंत्री था वहाँ का, झारखंड का, तो अपना हेमंत सोरेन जी तो अपना प्लेन से ले गया उसको, अपने प्लेन से ले गए। नीतीश कुमार जी ने आप कहा कि बिहार के जो वासी है वहीं रहिए, जो पड़ा है जहाँ पे वहाँ रहिए, यहाँ पे आने का व्यवस्था भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं किया था वो। और जिस तरह से शराबबंदी बताई जाती है और आए दिन खबरें आ जाती है कि जहरीली शराब पी के लोग मरे, अभी कल ही की खबर है 14 से 15 लोग मारे गए हैं फिर से जहरीली शराब में बिहार, तो मतलब दिखाने के लिए है क्या सिर्फ शराबबंदी, या सही में है भी शराब? अरे शराब तो खाली गरीब आदमी का बंदी हुआ है, और तो शराब जो पैसा वाला सब है तो जैसे यूपी में मिलता है, झारखंड में मिलता है, तो वो तो अपना ला के पी खा लेता है, और गरीब के लिए तो वही बना दिया केमिकल डाल के, विषैला बन जाता है बस, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, तो सरकार का गलती है। 24 में किसे देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री फिर से, अगर सरकार मतलब अब चुनाव होंगे तो किसको देखेंगे? मोदी जी को। क्यों राहुल गांधी को नहीं देखेंगे? नहीं राहुल गांधी, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं, वो भी तो दावेदार है। मोदी जी रहेगा, राहुल गांधी क्यों नहीं रहेंगे ये तो बताइए। अरे मोदी जी रहेगा, राहुल गांधी क्यों नहीं, उसका क्या, राहुल गांधी का बपोती राज है, बपोती राज है, बाप भी करे, बेटा भी करे, माँ भी करे, पूरे वो तो कह रहे हैं कि बन जाएंगे इस बार, मोदी सरकार से परेशान आ गई है जनता, महंगाई बेरोजगारी सीमा पर है, यही है मोदी जी सही बता रहे हैं। करप्शन बहुत जगह खत्म हुआ है, ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे बहुत कुछ फायदा हुआ है, ये सब करप्शन खत्म हुआ है, कुछ कुछ हुआ है हाँ, कुछ कुछ बड़ा भी है। और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बता रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा हुआ है बेरोजगारी, ये सब सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा जी, धीरे क्या धीरे कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, सब खत्म होगा, एक ही बार थोड़े बेरोजगारी। हाँ, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो कब होगा भाई, जनता जानना चाहती है, हो जाएगा, इंतजार कीजिए देखिए, ये तो हम लोग को थोड़े पता है। 24 में किसे चुनेंगे? मोदी जी को जी क्यों, मोदी जी अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने से क्या होता है, देश में काम होना, हाँ काम तो हो रहा है, हो रहा है, अब क्या होना चाहिए, बहुत काम हो रहा है। एक तरीके से ठीक भी हुआ, एक तरीके से गलत भी हुआ है। किस तरीके से ठीक हुआ और किस तरीके से गलत हुआ? एक माफिया थे, डॉन थे, आज कल किसी और को मार देते, वो आज खुद मर गए, ये ठीक हुआ, और ये पुलिस के उसमें वो गलत हुआ है, पुलिस की गुंडा डॉन है। तो जनता मतलब जो गुस्सा मतलब बोल रही है कि ठीक हुआ, आपके हिसाब से ये ठीक हुआ है? हाँ, बहुत ठीक हुआ। नहीं, पुलिस वालों का किसी के मीडिया वाले के मतलब मीडिया के रूप में गए थे, किसी के पुलिस वालों को थोड़ी पता है, पुलिस वाले रोक भी नहीं सकते मीडिया को कि ये मार भी देंगे, ऐसा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सारी सोच है, ऐसे सही हुआ जो भी हुआ है। एक नेता है ओवैसी, उनका कहना है कि प्रशासन इसमें मिला हुआ है,
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी बहुत अच्छे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, मोदी सरकार है, अच्छा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। गुंडा रास्ता एक समय और आज चैन की नींद सो रहे हैं लोग वाग, नहीं तो एक दिन ऐसा था कि कौन कहाँ मर गया, कौन कहाँ प्राण हो गया, कुछ नहीं पता पड़ता था। यह जंगल राज और जो गुंडा रास्ता कम हुआ है बहुत, मतलब तो बहुत अच्छे सुख शांति से जी रहे हैं लोग। आप देखो ना आज से करीब कुछ साल पहले यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती, गंदगी रहती थी, और देख लो कितनी सुनसान है, बढ़िया साफ सफाई है, शांति है। तो फिर मोदी के उसमें कांग्रेस के एक नेता है राशिद अली, उनका कहना है कि सीएम योगी को इस तरह की जो घटना है उसके बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको लगता है योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, उनकी मानसता है, अब उनकी सरकार तो कही रही नहीं। उनके राहुल गांधी, उन्होंने बयान दिया था एक कि ऐसे ही कुछ बयान दिया था अभी दो साल के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सही हमारे हिसाब से, कुछ कहीं भी पूछ लो आप मोदी जी। आपको अच्छा लगता है कि कांग्रेस सत्ता की लालच में आके ऐसे बयान दे रहा है? हाँ हाँ।